मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका जो क्वाड्रेंट एक्सरसाइज थी वो क्लोज हो चुकी। अब आपके पास ग्राफ आता है जो आपके सिक्स नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आपके सिक्स नंबर के लिए आता है। इसमें इक्वेशन मिलेगी और आपको ग्राफ लिखवाएगा ग्राफिकल मेथड से करना है। आपको आप ग्राफिकल मेथड है इसको किस तरह से करना है। हमारे पास इक्वेशन टू है, x प्लस वाई इक्वल थ्री और 3x माइनस टू वाई इक्वल फोर। तो इक्वेशन फर्स्ट को करेंगे x, अब x का और नंबर नहीं इक्वेशन में तो इक्वल लगा दिया। फिर इक्वल के बाद क्या नंबर है, 3 है और ये y इधर लेकर आएंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो y जो है माइनस का हो जाएगा और सॉलिड x, और यही हम क्या बना देंगे, एक बॉक्स बना देंगे। वैसे तो हम दो ही ले सकते हैं, तीसरा अपना आप रहता है, लेकिन हम तो आपको बताएंगे तीन ही नहीं लेना, जो आसान नहीं कि आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब हम y इक्वल, सबसे पहले y इक्वल जीरो, यानी जहाँ y है वहाँ पर क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो x तो वैसे से माइनस थ्री और y का पर क्या आ गया, जीरो। तो x इक्वल क्या आ गया, थ्री, क्योंकि थ्री में से जीरो गई तो थ्री बच गया, तो जीरो रखा और थ्री। y इक्वल करेंगे y 1, तो x वैसे से 3 माइनस 1, x इक्वल 3 में से 2 माइनस करा, 3 में से 1 माइनस करा तो रह गया, तो 1 और यहाँ पर 2। फिर y इक्वल कर रख दें 2 रख दें, ठीक है। x वैसे से 3 माइनस 2 और x 3 में से 2 गया तो 2 माइनस किया तो 1 रह गया, तो हमारे पास 2 और यहाँ y रह गया। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल 4, तो 3x 4 ये प्लस का 2 आ जाएगा। अब हम वही x इक्वल 4 प्लस 2 y अपॉन 3, तो y इक्वल सबसे पहले हमने रख दिया 1, तो देखिए x तो इसी से 4 तो हमारे पास x 4 प्लस 2 और y के इक्वल हमने 1 और अपॉन 3, x इक्वल 4 2 हो जाएगा 3, x इक्वल 6 अपॉन 3 और यहाँ 2 डिवाइड हो गया, तो 1 पर क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। फिर हम रखते हैं y इक्वल 3। अब देखिए y को हम करेंगे 2, तो x इसी से 4 2 प्लस 2 और यहाँ y की वैल्यूज करेंगे 2, तो 4 वैसे से 2 2 जा 4 माइनस का 4 में से 4 माइनस किया तो 0 रह गया, 0 में 3 से बैठ गया 0 आ गया। फिर हमने पास क्या रखें, y इक्वल 4 रखने, तो x इक्वल 4 प्लस 2 और y की वैल्यूज कितनी हो गई, 4 4 4 को मल्टीप्लाई 8, 4 वैसे से 4 और 8 को 12, 12 में इसे डिवाइड हो गया तो ये हमारे पास 4 टाइम गया, तो हमारे पास ये बन गया। अब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ में कैसे बनाएंगे ये देखना है। अब स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पर आसानी से लिए हमारे जगह हो जाएगी, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं x y।
देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ग्राफ पेपर को हमारे पास फिक्स होता है, इसको चार बराबर भाग में बांट लेंगे। ग्राफ को यहाँ पर लिखा हमने जीरो, एक पे एक एक बॉक्स पे एक दो तीन चार पाँच छ सात इससे लिखते जाएंगे। इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, और ये एक्स डैश, ये एक्स, इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरह चलेगा। ये वाई हो जाएगा माइनस एट, तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, माइनस सात, माइनस आठ। अब देखिए हमारे पास वाई का जीरो, एक्स के तीन, वाई के जीरो एक्स के तीन निशान लग गया, थ्री जीरो। फिर उसके बाद वाई का वन और एक्स के टू, वाई का वन एक्स के टू। फिर उसके बाद y के 2 और x का 1, ये लाइन बन जाएगी। और इस पे इक्वेशन फर्स्ट वाली है, इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस y इक्वल 3। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये y का 1, y का 1 x का 2 लगा हुआ है, y का माइनस 2 वो 0, और फिर 4 4 ये फोर, ये फोर, स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया। इस तरह से आपको ग्राफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर आपको दिलाएगा, और आपको इसको अच्छी तरह से करें, प्रैक्टिस में लें, सॉल्व।